हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, पढ़ाई जोर शोर में चल रही होगी। सो देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एप्लीकेशन में बिलीव करते हैं, दूसरा जो खाली ये सोचने में कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। डेफिनेटली द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल जो अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को, दोज आर द पीपल हु टेक थिंग्स फॉरवर्ड। एंड इसी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के लिए वी आर ब्रिंगिंग यू अ लाइव जूम टेस्ट सीरीज। जी हाँ, सो टेस्ट सीरीज आपने डेफिनेटली लिया होगा, बट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। स्टार्टिंग के जोश जोश में आप दो पेपर तीन पेपर लिख दोगे, बट उसके बाद यू नो देयर इजंट अ फॉलो अप, या फिर आपको लगता है कि यार कोई देख नहीं रहा है तो चलो भाई एक घंटे में पेपर लिख के चले गए। ये सब चीजों को दूर करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग इन जूम टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो मैं आपके साथ होऊंगा एक जूम सेशन में, एंड वही फिक्स 3 आवर्स में आपको बाकी लोगों के साथ टेस्ट लिखना है ऑन जूम। सो आपको आपका कैमरा ऑन करना होगा बाय कंपल्शन, एंड वो 3 आवर्स इट विल बी लाइक आपके सामने मैं एज अ इनविजिलेटर बैठा हूं, एंड उस हिसाब से ही पेपर लिखना है आपको आपके घर पे, जैसे कि आप ICAI का एग्जाम लिख रहे हो। वो सीरियसनेस बाय डिफॉल्ट रहेगा बिकॉज नाउ यू आर बीइंग वॉच्ड। वो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको जैसे कि आप ICAI के एग्जाम के लिए चाहिए, राइट? एंड वो जो राइटिंग प्रैक्टिस अब के लास्ट 45-50 डेज में चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट। अब पढ़ के हो चुका है, अब टाइम है उसको अप्लाई करने का, ठीक है ना? CA का सिलेबस इतना वास्ट है दैट कितनी भी बार पढ़ो, कितनी भी बार चीजों को कर लो तो भी कम ही लगता है। बट अब टाइम आ गया है दैट वी एक्चुअली अप्लाई इट, एंड दैट इज वेयर वी आर ब्रिंगिंग इन SCMP एंड SFM का टेस्ट सीरीज विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी। यानी उसके जो क्वेश्चंस है, आई विल बी प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर एंड द सजेस्टेड आंसर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, और आप लोगों को साथ में मेरे वो टेस्ट को लिखना है। जो भी शेड्यूल्स है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। कैसे इसके लिए रजिस्टर करना है ये भी आपको गूगल फॉर्म दिया है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द पेमेंट डिटेल्स। सर क्या ये पेपर चेक होके मिलेगा, क्या आप चेक करेंगे? सी, चेकिंग ऑब्वियसली विल नॉट बी डन बाय मी, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु विल बी डूइंग द चेकिंग, बट डेफिनेटली उसका एक रिव्यू जो है दैट कैन बी डन अगेन ऑन आर रेगुलर जूम सेशंस, ठीक है? सो हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सो देर विल बी वन पार्ट इन SFM, देर विल बी वन पार्ट इन SCMP, जिसमें 50% पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर और एक सेकेंड पार्ट होगा जिसमें बाकी का 50% पोर्शन कवर होगा, एंड देन देर विल बी अ थर्ड टेस्ट जिसमें 100% पोर्शन कवरेज होगा। सो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट देना चाहिए सो दैट आप बाय डिफॉल्ट गियर अप हो जाए इन ऑर्डर टू गिव योर मेन एग्जामिनेशन। देखो, दिस इज द टाइम टू डू इट, ठीक है? मेन एग्जाम में कोई शॉक लगे उसके पहले, इट इज बेटर दैट अभी अपन लोग उस चीज को समझ ले। कोई भी अपने को इंप्रूवमेंट करना है, दिस इज द राइट टाइम। ओके गाइज, सो जो भी आप लोगों को डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, यू कैन जस्ट कॉल अस, वी विल गेट बैक टू यू। और एल्स डेफिनेटली जैसा मैंने बोला आपको, गूगल फॉर्म भर दो, एंड अगेन वी विल गेट बैक टू यू इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। जूम आपको कंपल्सरीली चालू रखना है सो दैट वी कैन सी दैट यू आर राइटिंग रिलीजियसली। सर इन केस अगर मैं कोई एक टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हूं, देन इन दैट केस मैं खुद से लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, ठीक है ना? तो आप जो भी आंसर्स लिखोगे फिर हम आपको एक लिंक देंगे, वहां पे आपको अपलोड करना है, एंड आर पेपर चेकर्स विल चेक द पेपर्स विद अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 4-5 डेज, एंड वो आपको फिर चेक होके मिल जाएगा। सर क्या हमारे को सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट या कुछ नोट्स मिलेंगे उसमें? द आंसर इज यस। सो डेफिनेटली आपने जो गलती की है या हमको जहां पे लग रहा है कि आपको इंप्रूव करना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद यू, ठीक है? सो चैप्टर वाइज भी आपका काम हो जाएगा, एक फुल सिलेबस का पेपर भी हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट इज द वे टू गो। सो वो जो अब एक बोलते ना पेट में जिटर्स है, वो अब दूर करने का टाइम आ गया by appearing before us in that religious manner. So anything else you can ask us in the comment box and we will definitely get back to you. The main intention is only one thing and that is discipline. Writing ka discipline jo kahin na kahin apan chhod chuke hain. Let's get that back. Theek hai? So this teacher's day I thought ke ye ek announcement aap logo ke liye karna chahiye, एंड प्लीज आप लोग इसको यूज करना।
जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी 100 मार्क्स के होंगे, सो दैट मेजोरिटी ऑफ द चीजें कवर हो जाए। बाकी जो मेन टेस्ट है, थर्ड वाला जो टेस्ट होने वाला है, वो तो 100 मार्क्स का हो गई एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट एज वेल। ठीक है, तो हमारे साथ पोर्शन को कवर कर लीजिए। सर बाकी सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट होंगे क्या? द आंसर इज येस, बट ऑब्वियसली दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मी, दे विल बी प्रिपेयर्ड बाय अ सेपरेट टीम SFM SCMP, तो मैं ही उसको पर्सनली वाउच करूंगा। ठीक है गाइस, चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, मिलते हैं इस जूम लाइव सेशन में जहां पे रियल जो अपन टेस्ट सीरीज देने वाले हैं एग्जाम का, सीए एग्जाम का, वो फील लेके अब अपन करेंगे गाइस। तो दो तरह के लोग हैं, आई होप यू आर अमंगस्ट द डूअर्स, लेट्स डू इट, लेट्स क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट एंड गेट द नेम चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर अस। Hasta la vista. Take care.